मैं। सजन है। और एक सलोना माय चैनल कैसे हो आप सब लोग यहाँ पे मैं बना रही हूँ आपके साथ एक और माई का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और बस ये मेरा माई के मैं लास्ट के दो तीन दिन मैं कितने और स्टे किया तीन चार दिन का जो भी मैं ब्लॉग एक बार वापस से शूट कर रही हूँ यहाँ पे और बस इस ब्लॉग के एंड होते होते मैं वापस से अपने ससुराल आ जाऊँगी तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह तो का अपना सपोर्ट बनाए रखिए बस आप लोगों का साथ है तो है और तो क्या अभी तो ऐसे ही चल रही है लाइफ में बस अभी कहते हैं लाइफ में हर मुकाम पे आपको उतार चढ़ाव मिलेंगे तो बस अभी उतार चढ़ाव का रुख चल रहा है हमारी लाइफ में और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ छत छत से रायता रायता सब लो, लोग कितने लोगों को पसंद है मुझे रायता लौकी का बूंदी का मतलब तो ये रायता ना मुझे बहुत टेस्टी लगती है चाहे कद्दू का हो किसी और पालक का हो रायते रायते का मुझे और गर्मियों में तो होता है ना कि सब्जी सब्जी हो और रोटी हो और रायता मिल जाए तो भाई क्या बात है वही लंच दही तो का बनी हुई चीज़ें दही छोका हुआ दही हो गया लस्सी भी हो गई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत टेस्टी ना देती है खानों को बस यहाँ पे बस वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे और सब्ज़ी मम्मी बना देती तो रोटियाँ मैं बना देती हूँ क्योंकि तो रोटी और छाछ में टाइम नहीं है क्योंकि छाछ मार्केट की होती है या फिर मम्मी रात को दही जमा देती है तो फिर उसमें बस पानी डाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो और उसके बाद में मसाले बूंदी तड़का जैसे भी आपको लगाना है वॉटवर आप लगा सकते हो कद्दूक कस करना हो खीरा कद्दूकस करके डालना हो बस इसी तरीके से बस चलती है लाइफ और लाइफ का ही काम यही है कि चलते रहना है और हमें नहीं रुकना है उसके साथ साथ लगी पड़ी हो यहाँ पे मैं <laughs> और आप लोग बताइए आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है बस एक हाउस मतलब कहते हैं जॉब से लेके अब हाउस वाइफ की लाइफ पूरी कम्प्लीटली एक मदर और सब कुछ बहुत अभी बेबी छोटा भी है एंड बस यही है कि धीरे धीरे बेबी को आप अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हो पहले वो आ, बस यही है कि बैठता हो जाता है बच्चा खैर फिर एक साल का हो जाएगा तो चलता हो भी हो जाएगा खैर अभी तो टाइम है खैर और बस ये है मदरहुड अभी इन्जॉय कर रही हूँ और लगी हुए हैं बच्चे को संभालते संभालते बहुत सारी चीज़ों को कैरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी जॉइंट फैमिली सिर्फ नाम की होती है साथ कहीं नहीं हो पाता है खैर और बस यही चल रहा है इस टाइम पर यहाँ पर और बस क्या बोलूँ मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को बोलेंगे कि कितना कचर पचर कचर पचर कर जाती हूँ मैं आजकल और वीडियो एडिट करने बैठते तो समझ नहीं आता क्या बोलूँ क्या नहीं बोलना है लेकिन अभी यह तो वीडियो भी तो दस दस पंद्रह दिन में आ रहे हैं क्योंकि व्लॉग शूट करना एडिट करना एंड फिर बच्चे को ज़ुकाम खांसी या कुछ भी हो जाता है या फिर वो थोड़ा सा भी वो तबीयत ख़राब हो जाए तो उसको ले लेके पूरा दिन घूमना संभालना खाना मैनेज करना कब एक छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि कहते हैं कि बस क्या करती है बच्चे को संभाल अरे बच्चे को संभालने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता लोगों का कमेंट करके चले जाते हैं मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ कि आपने कैसे सर्वाइव किया होगा मेरे पास तो फिर भी सांस का मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास तो मेरी सास खैर एक्सपायर हो चुकी है तो मेरे को तो सोच रहा मैं वैसे भी उनका सपोर्ट नहीं था क्योंकि वो है ही नहीं इसीलिए मैं तो खुद ही मैनेज करती हूँ और इस इस इन सब चीज़ों के बाद भी लोग कमेंट करके चले जाते हैं भाई कि करती ही क्या है बच्चे कोई तो संभालती है और जो उन लोगों को सल्यूट है भाई खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ज़िद्द करके निकल जाती है खैर चीज़ों को मैनेज करना अपने सपनों को पूरा करना कैरियर को एक बार स्टॉप हो जाना वापस से स्टार्टअप करना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वीमेंस की लाइफ में तो बहुत सारे पड़ाव आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोक देते हैं फिर आपको वापस से स्टार्टअप करना चाहते हैं बस वही चीज़ें यहाँ पर तो इसी तरह से है लाइफ का चलना है उतार पर बहुत कुछ देखना है बाकी अभी तो मोड बहुत अभी आ, आधी भी नहीं कहते हैं ना पचास साल की भी नहीं हुई है बाकी कितनी ज़िंदगी भगवान जाने क्या लिखी हुई है खैर जो भी है आजकल पहले इंसान तो सौ साल जीते थे आजकल तो ऐसा तो पचास साल हो गए तो ऐसा होता आधी ज़िंदगी तो जी लिए है पचास तक तो इंसान मर जाए तभी आधी और बाकी है ऐसा हो गया अब तो खैर क्योंकि ना वो खुराक रही ना उस टाइम पे ज़माने में रहा करते थे उस टाइप से और असली घी असली चीज़ें मिलना आजकल तो सब चीज़ इंजेक्शन से बनी होती है फेक और नकली प्रोडक्ट आजकल बहुत आ गए हैं चाहे नकली दूध बनाना हो नकली कितना सब्ज़ियाँ वगैरह इंजेक्शन से कितना केमिकल इतना इतना हो गया है कि क्या ही बोलें बस पता नहीं क्या क्या मैं आप लोगों के साथ बात करती चली जा रही हूँ यहाँ पर और खैर आप लोग ऐसा होता है ना कि आप किसी के साथ बात करना चाहते हो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बच्चे को संभाल रहे हो एवरीथिंग मैनेज करना फिर फैमिली भी देना ये सब चीज़ें होती है कि आप कि आप लोगों के पास जो खुद के लिए जो टाइम है ना वो भी पूरा कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो चुका है और ये ऐसा नहीं है कि ये बुरा है नहीं ये अच्छी है क्योंकि बिकॉज आप के पास में एक छोटा सा नन्ही सी जान है जिसको आप देख रहे हो उसका हंसना रोना उसका जैसे अभी वो बैठता हो गया घुटनों के बल चलता फिर उसके बाद में वो चलने लग जाएगा फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा स्कूल जाएगा मतलब वो चीज़ें ना वो वो भी है ना कहते हैं ना लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है मदर बनना नोटा मतलब ऐसा होता है कि वो भी बहुत सुंदर मतलब एक ब्यूटीफुल जर्नी है आपकी लाइफ की एंड जो गर्ल्स सब ने देखा होगा कि ये कहते हैं ना कि बस सबको मैं चाहूँगी कि सबकी लाइफ में ये खुशियाँ सबको दे भगवान एंड जितनी भी वीमन्स हैं उन सबको एंड लाइफ में जैसे भी कहते हैं ना कि शादी होना फिर माँ का पन्ना एक कहता है ना कि आप लाइफ की हर जर्नी से आप क्रॉस करो और उतार चढ़ा तो देखो लगे रहेंगे चाहे आप स्कूल में होते हो या फिर कॉलेज में होते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसी हो जाती है कि एक तो मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ एक तो गर्मी का यहाँ पर हाल बहुत खतरनाक है मुझे नहीं लगता कि गुजरात में इतनी गर्मी पड़ती है जैसे लाइक राजस्थान में इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी मुझे यहाँ पे लग जाती है पापा ले आए जाए अगले दिन नाश्ता तो यहाँ पे सब लोग बैठ के नाश्ता करें यहाँ पे मेरा डुगू पीछे से आपको दिख रहा होगा कि उसको नहीं मिलेगा भैया अभी तो बेटा आपको टाइम है अभी मम्मा इंजॉय करेगी फिर बाद में आप खाओगे फिर बाद फिर मम्मा के हाथ में आया था यहाँ पे लगी हुई हूँ मैं दोपहर में आई थी क्योंकि कि जाने वाली थी तो सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने वॉशिंग मशीन में डाले थे फिर पैकिंग करनी थी और बीच में हम लोग श्री राम टेम्पल जाके भी आए थे और आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना हस्बैंड का बर्थडे भी मैंने शेयर किया हुआ है बहुत सारे वीडियो मैं शेयर करती हूँ लेकिन हाँ ये कि आजकल डेले हो जाते हैं वो फिक्स टाइमिंग होता है वो नहीं हो पा रहा है बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं इस वीक इस वीक दो से तीन वीडियो अपलोड करूँगी पता नहीं क्या होता है कि कि ये सब चीज़ें होता है ना एकदम से कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है तो फिर वो डिले 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 हो जा होता चला जाता है यहाँ पे बस वही चल रहा है यहाँ पे और मैं वेट कर रही करी कि ऑन हुई कि नहीं हुई बस टाइमिंग स्टार्ट हो गया यहाँ पे मैं देख रही थी बस उसके बाद में स्टार्ट हो गई और उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ पे कपड़े लगा के वॉशिंग मशीन में और बस तो यहाँ पे देखो बिल्लू है हमारा आजा बिल्लू बिल्लू, बिल्लू जा रही बिल्लू आजा बिल्लू आजा आजा बिल्लू. नो थो नो थो आजा बिल्लू नॉट कम आजा बेटा आजा अच्छा मैं जा रही हूँ बाहर बाय मैं बनाए थे बच्चों के लिए गोल गप्पे और थे मासिया में गोलगप्पे खाना है और मेरे बेटियों ने जो बोला है वो तो मुझे पूरा करना ही है मेरी जान है वो छठी सी नन्नी सी एंड बस बनाए थे बच्चों के लिए गोलगप्पे और enjoy किया बच्चों ने और जितना भी ब्लॉग है जितना मैं ट्राई करती हूँ सूट करने का उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में और देखना कोशिश करूँगी और वीडियो अपलोड कर सकूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप हमारे उन्हें तैयार किया था घर पर ही सब कुछ तो आलू वाल कर लिया था यहाँ पर मम्मी इंजॉय करिए खाना मेरा ननू नुनसो रहा है वीडियो पसंद बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब